हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो बस अभी मैं घर का काम फिनिश करूँगी क्योंकि आज हम जाएंगे मुजफ्फरनगर। हमने ना हलीन का पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो वहाँ पे ना डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, ओरिजिनल मतलब दिखाने पड़ते हैं। तो उसी के लिए हमें मतलब दोनों को बुला रखा है क्योंकि अभी हलीन छोटी है, तो हमें ना डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वहाँ पर मुजफ्फरनगर। और अभी हलीन को मैंने, वो उठ गई थी सोफे, तो मैंने उधर भेज दिया था अपनी जेठानी के उधर, क्योंकि वो फिर मुझे काम नहीं करने देते। और अभी हस्बैंड हो रहे तैयार, मैं तो अभी तैयार नहीं हुई हूँ, बस अभी मैंने ब्रश किया और चाय पी, बाकी और मैंने कुछ नहीं किया है। तो अभी मैं अपने घर का काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होंगी। और फिर हाँ, उसके बाद मेरी जो बड़े वाली ननद है वो भी आ रखी है, राखी बांधने के लिए ना पहले ही आ गई, तो हमें राखी भी बंधवानी पड़ेगी। उसके बाद हम जाएंगे मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो हम लोग चल दिए थे तैयार होके। और घर पे ना मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था वीडियो बनाने का। एक तो मैंने सोचा, मैंने कहा जैसे फटाफट से पहले काम फिनिश कर लेती हूँ, तो बाद में वो करूँगी, लेकिन वीडियो बनाने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और क्योंकि जो बड़ी वाली दीदी आ रखी थी कि उसने राखी बांधी, मैंने वो भी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मैं सोचने का कभी लेट ना हो जाए, क्योंकि हमें मुजफ्फरनगर में और भी कुछ काम थे, तो इस वजह से मैं शूट ही नहीं कर पाई। और बस थोड़ी सी यहाँ से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हम बाइक पे थे, तो मैंने सोचा यहाँ की थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। और हरलीन हरलीन जो है वो भी सो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो बना रही, वरना वो फ़ोन पकड़ती है, तो इस वजह से मैं जब वो जागती है तब मैं वीडियो नहीं बनाती, वरना वो फ़ोन पकड़ती है, तो इस वजह से। और ये देखिए, हम ना यहाँ पे मुजफ्फरनगर में पहुँच चुके थे, यहाँ पे ना गुरुद्वारा है, यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे क्योंकि जो वहाँ पासपोर्ट और जो ऑफिस है वहाँ पे, और हमें 2:30 बजे का टाइम मिल रखा है, तो हमें 2:30 बजे पहुँचना है वैसे तो वहाँ पे, तो क्योंकि हम जल्दी आ गए थे। और दो मेरे हस्बैंड ने ना हमें यहाँ पे छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे ना हमारे कोई रिलेटिव है, वो रहते हैं यहाँ पे गुरुद्वारे में, तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे क्योंकि हल्ली इनको भूख भी लग गई थी। तो वैसे तो मैं इसका दूध लेके आई थी, तो हमने सोचा, मैंने कहा थोड़ी देर ना यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो यहाँ पे हमने हलीन को थोड़ा दूध वगैरह पिलाया और अभी वो खेलने लग गई थी, वरना वो रोने लग गई थी। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद फिर हम उधर चले गए थे जिधर पासपोर्ट ऑफिस था, तो उधर हम चले गए थे। और मैं अभी हम ना हम वहाँ से आ गए थे जहाँ पे गुरुद्वारे में थे, तो यहाँ पे हम बाज़ार में पहुँच गए थे जहाँ पे हमें जाना था। तो और हरलीन को ना भूख भी लग गई थी, जैसे हम वहाँ से चले ना, तो मतलब 1 घंटे बाद हम वहाँ पे रुके वहाँ पे, तो फिर हम आ गए थे। तो हमें ना यहाँ पे थोड़ा मार्केट में हम फिर हलीन के लिए कुछ मतलब खिलाने के लिए वो देखने लग गए थे कि हलीन को क्या खिलाएं, तो हम ना वहाँ पे चले गए थे फ्रूटी वो करने के लिए। मैंने कहा फ्रूटी पिला देते हैं, फ्रूटी क्योंकि बहुत अच्छे से पी लेती हैं, तो हम थोड़ा मार्केट में भी घूमने के लिए चले गए थे। और मार्केट में हमें ज्योति मिली थी, जो विलोंग विलोंगर ज्योति है वो बहुत अच्छी है, और क्या बताऊँ उसके बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगा रहा था कि मतलब ये बात करेगी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी और अपना मतलब हमें बताया कि मैं वहाँ पे रहती हूँ, उसने बुलाया है हमें कि आना कभी घर पे, तो बहुत अच्छी है। और मुझे पता नहीं था मतलब कि ये इतने नॉर्मल बात करेगी अच्छे से, और उसने मुझे अपना नंबर सब दिया है, क्योंकि हालांकि मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ ये मुझे अपना नंबर दे देगी, लेकिन उसने दे दिया था, जैसे मैंने बोला मैंने कहा तो उसने दे दिया था, और बहुत अच्छे से बात करी थी उसने, तो अच्छा लगा मुझे मिलके ना वहाँ पे उससे, बहुत अच्छी है। क्योंकि ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरे से बात भी नहीं करेगी, लेकिन उसने बहुत अच्छे से बात करी। और ये देखिए, मैं थोड़ी मार्केट की थोड़ी वीडियो बना रही थी, और क्योंकि हम हलीन के लिए आए थे, ये देखिए फ्रूटी पीने लग गई क्योंकि इसे ना बहुत तेज़ भूख लग रखी थी, जो दूध था तो वो ख़राब हो चुका था, पता नहीं क्या हुआ, वैसे तो मैं गर्म करके लाई थी और पता नहीं, तो गर्मी इतनी हो रही थी शायद इस वजह से ख़राब हो गया होगा, और इसे ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, ये देखिए कैसे पी रही है, बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इसे भूख लग गई थी। तो यहाँ पे हम मार्केट में जैसे ही आए थे और तो यहीं पे हमें मिल गई थी, तो फिर उसके बाद क्योंकि टाइम हो गया था, तो फिर हम वहाँ पे चले गए थे जहाँ पे पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे हमें। हमने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे मार्केट में देख लेते हैं कुछ सामान वगैरह, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और हरलीन, क्योंकि
हरलीन को ना गर्मी में बुरा हाल हो गया था, तो फिर हम वापस वहीं पे जा रहे थे। मैंने कहा चलो वहीं पे चलते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे कहाँ बैठना था, वो गॉड इतनी रोई ना, बहुत ज़्यादा रोई है हरलीन वहाँ पे। जैसे हम पासपोर्ट ऑफिस में अंदर चले गए ना, तो इतनी ज़्यादा रोई ना, हमारा एकदम से नंबर आ गया। मुझे अच्छा, मतलब मुझे अच्छा अच्छा तो क्या मतलब, क्योंकि वो सब परेशान हो गए थे, इतनी ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगी। तो उन्होंने बोला पहले आप आओ, बाकी बाद में आना, तुम लोग पहले आओ। तो हाँ, हमारा जल्दी नंबर आ गया था हरलीन की वजह से, क्योंकि हरलीन बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। तो ठीक है, हमारा वो काम हो गया था। और अब मैं यहीं पर वीडियो का एंड कर रही हूँ, ठीक है।